सरकार की छवि ठीक रखने के लिए सीएम योगी का मंत्रियों को फरमान, क्षेत्र के दौरे के दौरान होटल की बजाय सरकारी गेस्ट हाउस में रुकने का निर्देश। सीएम योगी का मंत्रियों को बेवजह तामझाम से भी बचने का निर्देश, अपने परिवार के सदस्यों को निजी सचिव नहीं रखने की हिदायत। यूपी में 100 दिन के बाद 6 महीने और 1 साल के एजेंडे पर होगा काम, कृषि मंत्रालय के 11 विभाग पेश करेंगे छमाही सालाना रोडमैप। यूपी में नई सरकार के गठन के बाद बजट की तैयारियां तेज, मई के तीसरे सप्ताह में बजट पेश कर सकती है यूपी सरकार, 25 अप्रैल तक बजट भाषण की सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश। नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का काम जल्द हो सकता है शुरू, अब 30 अप्रैल को खोले जाएंगे टेंडर, पहले आज ही खोले जाने थे टेंडर। नोएडा फिल्म सिटी के लिए एकता कपूर और सुभाष घई ने भी भरा है टेंडर, अमेरिका और अबुधाबी की भी कंपनियों के नाम शामिल, सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नोएडा फिल्म सिटी। देश में रामनवमी पर हुए हिंसक घटनाओं पर सीएम योगी का बयान, यूपी में कहीं नहीं हुआ कोई दंगा फसाद, शांतिपूर्ण निकली शोभा यात्राएं। सीएम योगी ने कहा प्रदेश में 800 से ज्यादा स्थानों पर निकाले गए थे जुलूस, रमजान का महीना चल रहा है, कहीं कोई तूतू मैमे तक नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में शांति है। यूपी के सभी जिलों में लोकप्रिय खेलों को किया जाएगा प्रोत्साहित, सीएम योगी के निर्देश पर खेल विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कुशीनगर में नाव पलटने से बड़ा हादसा, मौके से 7 लोगों को बचाया गया जबकि 3 लोगों की हुई मौत, सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा के घर से बरामद किया गया डोंगल, सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा ने अलमारी में छिपाकर रखा था डोंगल। मुर्तजा अब्बासी के विदेशी कनेक्शन की जांच करेगी एटीएस, गोरखपुर अटैक मामले में अब तक 50 लोगों के बयान दर्ज। आज गोरखपुर मंदिर हमले का रिक्रिएशन करा सकती है एटीएस, अभी आरोपी मुर्तजा को लेकर गोरखपुर में ही है एटीएस की टीम। आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में आज माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी, हत्या और गैंगस्टर के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। यूपी के मैनपुरी से तमंचे वाली टीचर का वीडियो वायरल, जींस में तमंचा लगाकर घूम रही थी टीचर, महिला कांस्टेबल ने तलाशी के बाद की बरामद। खनन माफियाओं ने प्रयागराज में गंगा की बीच धारा में बनाया रास्ता, डीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए गठित की जांच कमेटी। कानपुर में पीएफ के क्षेत्रीय कार्यालय में सीबीआई और विजिलेंस टीम का छापा, गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर डाली रेड। एक्शन में नजर आई योगी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, मिर्जापुर में सरकारी बसों का किया औचक निरीक्षण, यात्रियों से सुनी समस्याएं। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की जीत पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज, कहा चुनाव जीतने वाले 36 सीटों में से 18 सीएम के जाति वाले एमएलसी बने। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से पूछा सवाल, कहा एससी एसटी ओबीसी को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास। माफिया अतीक अहमद की और बढ़ेंगी मुश्किलें, अतीक के बेटे अली पर इनाम की राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 की गई, अली पर रंगदारी समेत कई गंभीर मुकदमे हैं दर्ज। यूपी के मुजफ्फरनगर में चला प्रशासन का बुलडोजर, 2 हिस्ट्री शीटर भाइयों ने किया था अवैध कब्जा, 1 करोड़ रुपए की ग्राम समाज की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, एक बदमाश पकड़ा गया, एक फरार पकड़े गए बदमाश पर करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में 2 युवकों के झगड़े में एक युवक की मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ झगड़े का पूरा वीडियो, आरोपी फरार, पुलिस कर रही है तलाश। रामपुर में पुरानी रंजिश में हारून ठेकेदार, पूर्व प्रधान सहित भतीजे को गोली मारी, भतीजे की मौके पर ही मौत, हारून की हालत नाजुक। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल, एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर की आगजनी और पथराव। अलीगढ़ में बधाई मांगने को लेकर आपस में भिड़े किन्नरों के 2 गुट, थाने में किन्नरों ने किया जमकर हंगामा। विंध्याचल धाम में पहुंचे अपना दल एस के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, माता विंध्यवासिनी की किए दर्शन पूजन। आज हो रही है यूपी बोर्ड के 12वीं की अंग्रेजी की परीक्षा, कड़ी सुरक्षा के बीच 24 जिलों में सुबह की पाली में एग्जाम, पेपर लीक के बाद रद्द हो गया था पेपर। बरेली में अंग्रेजी की परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, सुबह 8 बजे से शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा। चित्रकूट पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों के पास से चोरी की 10 बाइकें बरामद। हरदोई में तेज रफ्तार 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, एक मासूम बच्चे समेत 2 लोगों की मौत, हादसे में बाइक पर सवार 7 लोग जख्मी। महाराजगंज की नौतनवा पुलिस ने 1 शातिर वाहन चोर को किया गिरफ्तार, चोर के पास से चोरी की 4 बाइकें बरामद।
सहारनपुर में साड़ी व्यापारी के यहां करीब 35 लाख रुपए की चोरी। घर में काम कर रहे नौकर ने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। जालौन में खेत में अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। सूचना पर पहुंची पुलिस, मामले की तफ्तीश में जुटी। बलिया में पुलिस ने इंटरमीडिएट का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करते दो सॉल्वर्स को किया गिरफ्तार, जबकि तीन आरोपी मौके से फरार। सीतापुर में विकास भवन के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। आईईएस कृषि विभाग सहित कई विभागों के आसपास पानी भरा हुआ है। नोएडा में हुए सड़क हादसे में एक की मौत, तीन लोग बुरी तरीके से जख्मी। तेज रफ्तार कार ने रौंदा, फरार चालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली के आंवला संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद ने किया औचक निरीक्षण। अचानक अस्पताल पहुंचने से मचा हड़कंप, सांसद ने कोविड वैक्सीनेशन की रिपोर्ट मांगी। अलीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर के लिए इकट्ठा किया चंदा। मंदिरों में लाउडस्पीकर लगवाकर हनुमान चालीसा कराने का किया ऐलान। जालौन में दो ट्रकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, हादसे में चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से जख्मी। पीलीभीत में 38 साल पुराने मामले में दोषी को मिली उम्रकैद की सजा, सुपारी देकर पत्नी और तीन बच्चों का करवाया था कत्ल। कानपुर में दारोगा के बेटे की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, लव ट्रायंगल बताई जा रही है हत्या की वजह। मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। बांदा में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, शव के पास से मिला सुसाइड नोट, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। एटा में महिला यात्री ने रोडवेज बस कंडक्टर से की मारपीट, काफी देर तक कंडक्टर को पीटी रही महिला, बस स्टैंड की घटना। सीएम धामी के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज, आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में सीएम का कार्यक्रम, मां बगुलामुखी मंदिर में किए दर्शन पूजा। उत्तरकाशी के जंगलों में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाया गया, जंगल धुधुकर जल रहे थे। अल्मोड़ा में सरकारी लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए फसीहत, छात्रों को लाइब्रेरी में नहीं मिल पाई बैठने की जगह। कासगंज में खेत में अवैध कच्ची शराब बना, लोगों पर पुलिस का छापा, पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया। काशीपुर में देवी पूजन और मेले में आने वाले श्रद्धालु महिलाओं को निशाना बनाकर लूटने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, पुलिस ने एक लुटेरे को भी गिरफ्तार किया। जलमग्न हो जाएगा देहरादून का लोहारी गांव, झील में समा रहे हैं घर, डूब रहे लोगों के आशियाने। विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में है लोहारी गांव। विधानसभा चुनाव के दौरान हारी हुई 23 सीटों की बीजेपी ने समीक्षा की, पार्टी प्रदेश संगठन को मिल चुकी है समीक्षा रिपोर्ट। हरिद्वार में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज, 3 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को अपना बायोमेट्रिक पंजीकरण कराना होगा। अब बदलने वाले हैं रुद्रपुर की जीवनदायिनी कहलाने वाली कल्याणी नदी के दिन, गंदे नाले से पुराने स्वरूप में पहुंचेगी कल्याणी, नदी से कूड़ा निकाल रहा नगर निगम। हल्द्वानी में व्यवस्थापन की मांग को लेकर बनफूलपुरा के लोगों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, रेलवे अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं लोग, प्रशासन ने अन्य जगह ठिकाना देने की अपील की। चमोली के रुद्रनाथ मंदिर में हुई तोड़फोड़ से नाराज हकूकधारियों और स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर किया प्रदर्शन, लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, पीएम मोदी ने बुलाई सीसीईए की भी मीटिंग। पहले लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजे जाएंगे पीएम मोदी, 24 अप्रैल को मुंबई में होगा समारोह। यूजीसी ने उच्च शिक्षा में किया बड़ा बदलाव, अब एक साथ दो अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकते हैं छात्र। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा 3 मई तक सभी मौलवी मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकाल लें, ये धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा है। राज ठाकरे ने कहा लाउडस्पीकर नहीं उतरने पर हम बजाएंगे हनुमान चालीसा, हमें अपने बाण खींचने पर मजबूर मत करो। खरगोन हिंसा मामले में सीएम शिवराज ने की राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात, सीएम ने राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट, मौजूदा हालात की जानकारी दी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस को पत्थरबाजों से नहीं बुलडोजर से आपत्ति। गुजरात के साबरकांठा में हिंदू परिवारों का पलायन, रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद 10 परिवारों ने छोड़ा घर। पीड़ितों के मुताबिक एक समुदाय विशेष के लोग उन पर पत्थर और पेट्रोल बम से करते हैं हमला, हम यहां रहकर मरना नहीं चाहते। हिम्मतनगर के छपरिया इलाके से 10 परिवार के लगभग 35 सदस्य अब तक कर चुके हैं पलायन, डर के साए में जीने को मजबूर हैं हिंदू परिवार। करौली हिंसा के बाद राजस्थान सरकार का आदेश, प्रदेश में अब नहीं होंगे धार्मिक आयोजन, धार्मिक आयोजनों पर लगाई पाबंदी। अजमेर जिले में कलेक्टर ने लागू की धारा 144, धार्मिक आयोजन के बैनर और झंडा लगाने पर लगाई पाबंदी, डीजे के इस्तेमाल पर भी रोक।
करौली में हिंसा पर सियासत जारी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हिंसा प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों से भी की मुलाकात। करौली में 14 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू, सुबह सिर्फ 4 घंटे मिलेगी कर्फ्यू में ढील, जरूरी सामानों की दुकानें खुलेंगी। AIMIM नेता ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन की बढ़ सकती है मुसीबत, हेट स्पीच मामले में हैदराबाद कोर्ट आज सुनाई का फैसला। इमरान खान ने खोला पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा, कहा कोई फौज देश की हिफाजत नहीं कर सकती। इमरान खान ने कहा देश की जनता ही देश की हिफाजत कर सकती है, हमें पूरा जोर देना है कि पाकिस्तान में तुरंत चुनाव। आज पाकिस्तान के पेशावर में इमरान खान करेंगे एक बड़ी रैली, 16 अप्रैल को कराची और 23 अप्रैल को लाहौर में भरेंगे हुंकार। पाकिस्तान में रिमोट से चलेगी शहबाज सरकार, इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द राहत मिलेगी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के सभी केस हो सकते हैं खत्म, कानून मंत्रालय पाक सुप्रीम कोर्ट से केस खत्म करने की कर सकता है अपील। भारत पाकिस्तान के बीच मजबूत शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं शहबाज शरीफ, कहा कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 49वां दिन, मारियोपोल में भीषण युद्ध जारी, यूक्रेन पर लगातार मिसाइल हमला कर रहा रूस। मारियोपोल में आमने सामने आए रूस और यूक्रेन के सैनिक, DPR के सशस्त्र बल दुश्मन देश की सेना पर फायरिंग करते नजर आए। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का एक फ्रंट और खुला, ताइवान पर हमले की फिराक में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है चीन, ताइवान से सटी सीमा के पास जमा कर रखा है हथियार। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का युद्धाभ्यास, जापान सी में अभ्यास कर रहा अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट। जापान सी में अमेरिका ने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट करियर उतारा, अमेरिका और जापान का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज। न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल में 2 सिखों पर हमला, न्यूयॉर्क पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क फायरिंग में कुल 16 घायलों में 5 की हालत गंभीर, आतंकी हमला समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुटी पुलिस। न्यूयॉर्क में फायरिंग से पहले हमलावर ने फेंका था स्मोक बम, गैस मास्क पहनकर आए थे हमलावर। न्यूयॉर्क में फायरिंग के बाद लोगों में हड़कंप, हमले के बाद मची भगदड़, मदद के लिए लोगों ने लगाई चीख पुकार। उबर का सफर हुआ महंगा, दिल्ली NCR में उबर ने 12% किराया बढ़ाया, तेल की बढ़ी कीमतों को बताई वजह। मुंबई अहमदाबाद के बीच 2027 से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, इंडिया के मुताबिक तैयार हो रहे कोच, पहले E5 शिंकानसेन सीरीज की ट्रेनें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में धूम मचाने को तैयार है होंडा की नई सुप्रीम सेडान, लॉन्च किया धांसू लुक वाला टीजर। एक वीडियो में हिरण खुशी के मारे इधर से उधर उछल कूद करते दिख रहा है, हैप्पी हिरण का वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। एक पांडा बच्चों की तरह झूला झूलता दिखा, झूलते झूलते नीचे भी गिर गया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पेंगुइन्स की बर्फ पर कैटवॉक करती वीडियो वायरल, पेंगुइन्स का एक झुंड बर्फ पर कैटवॉक करता नजर आया। पुल में 3 डॉग्स कूद कूद कर मस्ती करते नजर आए, गर्मी भूलकर इनकी मस्ती करता वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। एक शख्स का आधे पत्थर के गोले पर डंडों के सहारे खड़ा हुआ वीडियो वायरल, शख्स जमीन पर गिरा नहीं, वीडियो खूब वायरल हो रहा है। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ाया गया, 14 अप्रैल की जगह 22 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ का टीजर सोशल मीडिया पर किया शेयर। पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने दी गुड न्यूज, बनने वाली है मां, पोस्ट शेयर कर दी फैंस को खुशखबरी।